चाय पीने को दी। डॉक्टर झटका, बड़े भैया बहुत भूख लगी है, कुछ खिला पिला दो प्लीज। ओके बड़े प्रा, कुछ खा पी लो। ओ चाय वाले, इन्हें दे दो, क्या चाहिए हा? अरे वो चाय वाले भैया, जरा तो चाय देना, पानी रोक के दूध ठोक के शक्कर जमा के मलाई मार के 10 प्लेट समोसे, 4 प्लेट जलेबी, आधा किलो बर्फी, आधा किलो रसमलाई, 1 किलो लड्डू, आधा किलो चमचम, 4 बाटी गुलाब जामुन। ओए 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 ओए, बस 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 कर, मुझे हार्ट अटैक देगा क्या? अच्छा बड़े भैया बस करता हूँ, सुनो बाद में दो लस्सी भी देना। एक तो ये गर्मी ने परेशान कर रखा है, दूसरे तुम आ गए तंग करने। कसम मेरे मरीजों की, इस गर्मी से पीछा छुड़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गर्मी से पीछा छुड़ाने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है, किसी आइस फैक्ट्री में नौकरी कर लेते हैं, ठंडक की ठंडक मिलेगा और पैसा का पैसा। ओ चलो चलते हैं। अरे पैसे तो दो, मेरे पैसे, रुको। खसीचा राम के कहने पे मैं तुम चारों को नौकरी देता हूँ, मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, शाम तक मेरी सारी बर्फ बेच देना। सर जी, शाम तक तो हम पूरी फैक्ट्री ही बेच देंगे। क्या? ये तो मजाक कर रहा है। अच्छा ठीक है, फैक्ट्री का ख्याल रखना। चले गए थानेदार, अब डर काहे का, खूब खर्राटे लगाओ यार, अब डर काहे का। नाचो। अपनी फाइल तो भूल ही गया था, अच्छा हुआ रास्ते में ही याद आ गया। ये क्या, ये खतरनाक आवाजें कैसी हैं? और ये मोटू पतलू वगैरह कहाँ है? समोसे। ये क्या, रात में तो सुना था। समोसे। समोसे। कसम मरीजों की। नाकारा निकम्मे नाकाम नौकर, उठो उठो, मैं कहता हूँ उठो। समोसे, समोसे। बड़े भैया बर्फ खत्म हो गई, आओ सो जाओ, सो जाओ। मैं कहता हूँ जागो। अरे क्यों नींद खराब कर रहे हो, सो जाओ ना। ये बर्फ की फैक्ट्री है या खर्राटों का कारखाना? खसीचा राम जागो, सबके सब। सर जी आप कब आए? जब तुम सब चैन की बंसी बजा रहे थे। खड़े होके बात करो। इस बार माफ कर रहा हूँ, दोबारा किसी को बर्फ के ऊपर सोते देखा तो सबको निकाल दूंगा, समझे? अब सोना कैंसिल, मैं और पतलू फैक्ट्री की सफाई करेंगे और तुम दोनों बर्फ बेचो। अब मुझे बर्फ बेचने का 20 साल का तजुर्बा है। ये लंबे लंबे बक्से क्या है? देखता हूँ। अरे इनमें बर्फ जमाते हैं, ये बॉक्स उस रास्ते से बेल्ट के साथ अंदर जाते हैं और बर्फ जमने के बाद उस दूसरे रास्ते से बाहर बर्फ आ जाती है। चलो इसमें लेट के थोड़ा आराम कर लेते हैं, देखो पानी कितना ठंडा है, बर्फ तो मालिक के आने के बाद ही बनेगी, तब तक क्यों ना हम थोड़ा मजा ले ले। गुड आइडिया। ओ बर्फ ले लो, ए बर्फ ले लो, बर्फ ठंडी बर्फ ले लो। अरे बर्फ बेच रहे हो या सब्जी भाजी? हटो, मुझे बर्फ बेचने का 20 साल का तजुर्बा है। हाँ?
लोगों के चक्कर में फाइल फिर से ले जाना भूल गया। पता नहीं आज मेरा काम होगा कि नहीं। आप ही देखो सर, हम ठीक से काम कर रहा है। गुड गुड, लेकिन वो मोटू पतलू कहाँ है? ओए वो तो अंदर साफ सफाई करने गए थे, अभी तक नहीं आए। वो जरूर अंदर सो रहे होंगे, आज उनकी खैर नहीं। ओ मोटू मेरे बड़े भ्रा, ओ किधर होए? ये क्या कर दिया तुम दोनों ने, उन्हें बर्फ में जमा दिया? ओ नहीं नहीं। मोटू, ओए मोटू मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये क्या हो गया? अब मैं अपने एक्सपेरिमेंट किस पे करूंगा यार? बाबा पतलू माय फ्रेंड, ये सब क्या हो गया? मेरी फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। क्या भूत खर्राटा लेता है? सर जी एक मौका दीजिए, सिर्फ एक मौका, फिर गलती नहीं होगी। आखिरी मौका, बस आखिरी मौका। अरे जब तक लोगों को बर्फ दिखेगी नहीं तो बिकेगी कैसे? मोटू उसे रोको। डॉक्टर छक्का उसे रोको, घसीटा उसे रोको, अरे कोई तो उसे रोको। मोटू रोको, रोको उसे। कैसे रोकूं? इसमें कोई ब्रेक नहीं है। साइड हटो, साइड हटो, गाड़ी में स्टीयरिंग ब्रेक कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सीलेटर है। चिंगम सर, चिंगम सर, मोटू मेरी बर्फ की सिल्ली चुरा कर भाग गया, जल्दी आओ। क्या बोले तुम? सर को बिल्ली चुरा कर ले गया? ऐसा कैसे हो सकता? सर्फ को बिल्ली नहीं सर, मोटू बर्फ की सिल्ली चुरा कर ले गया। ओके ओके, ये मोटू को किया हुआ सर्फ चोरी करता है। बर्फ नहीं मेरे बाप, बर्फ बर्फ बर्फ। हट जाओ, ब्रेक नहीं है, बचाओ। चिंगम सर स्टॉप, रुक जाओ। सर चिंगम सर रोको, इसमें ब्रेक नहीं है, रुक नहीं सकता। ब्रेक नहीं है तो ऐसे बोल रहे हो जैसे बाकी सब है? स्टीयरिंग कहाँ है? क्लच किधर है? कुछ भी तो नहीं है। ओके, तुम मेरा हाथ पकड़ के मो बाइक पर आ जाओ, आ जाओ। कम 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 कम, हरी अयो अम्मा, ये क्या पार्टी में आया मैं? उतारो। मैं गोली चला दूंगा। चिंगम सर, आपने इस चोर को पकड़ लिया, अब इसे छोड़ना मत, जेल भेज दो फौरन। इसने क्या चुराया है ये तो बताओ। इसने मेरी बर्फ की सिली चुराई है,
ये देखो ये सिल्ली। बिना सबूत जेल भेजना, ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। हमें माफ कर दो सर, गलती हो गई, लेकिन हम चोरी नहीं कर रहे थे, सच कह रहे हैं सर। ठीक है, एक शर्त में माफ करूंगा, मेरी दूसरी फैक्ट्री में एक महीने काम करना होगा। एक महीने दूसरी बर्फ की फैक्ट्री में काम करने की सजा? ये सजा है या मजा? हमें मंजूर है। इस गर्मी में बेकरी में काम करना पड़ा, ऐसा तो मेरा 20 साल का तजुर्बा में नहीं हुआ।